सुनील ग्रोवर, राधिका मदान और सानिया मल्होत्रा स्टारर फिल्म पटाखा इन दिनों काफी लाइमलाइट में है और साथ ही इस फिल्म के ट्रेलर में देसी लुक और लैंग्वेज की वजह से लोगों को इस फिल्म का खासा इंतजार है। वहीं इस फिल्म की कहानी के बारे में इन स्टार्स का क्या कहना है, चलिए सुनाते हैं आपको। में फाइट हुई है, बरसात में फाइट हुई है और मैंने खड़े होकर ड्रम बजाया, बाल तो लड़कियों ने खींचे एक दूसरे के और उसकी वजह से डिपर को आनंद आया। और आई एम होप जी, तो आपको पूरी जर्नी दिखेगी बेसिकली फ्रॉम 16 इयर्स टिल से 28-30 ऑफ चंपा कुमारी एंड गेंदा कुमारी। सो ये सर ने पहली चीज बोली थी हमसे कि 10 केजी बढ़ा लोगे और टैन हो जाओगे कि नहीं, बस ये दोनों रिक्वायरमेंट्स थी उनके। तो ओके, ट्रेलर के अलावा और एक जो बहुत फेमस हो रही है इसमें वो है गोबर फाइट, आपकी जो गोबर फाइट है उसके कोई अगर मेमोरी शेयर करना चाहे। जी मेमोरीज तो काफी इंटेंस शूट था फॉर बोथ ऑफ अस। उससे पहले हम एक फाइट कर चुके थे जो भी आपने ट्रेलर में देखी होगी, वो पहला फाइट था। बट दिस वन वाज इमोशनली ड्रेनिंग फॉर बोथ ऑफ अस क्योंकि बहुत लंबा सा कोरियोग्राफी था, हम दोनों बहुत गुस्सा थे, बहुत इमोशनल थे और बहुत इनटू द कैरेक्टर थे व्हाइल वी वर डूइंग इट। जब शूट ख़त्म हुआ तो हमने पहले तो सर को एक चीज़ बोली थी कि जब अंत आ रहा था उस फाइट का, शूट का, हमने वी टोल्ड सर कि आप ना कट मत बोलिएगा, हम करते रहेंगे और आपको जो अच्छा लगे हम आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें दिखाते रहेंगे, आप कट मत बोलना। तो उन्होंने तब तक कट नहीं बोला जब तक लिटरली हम दोनों की हिम्मत नहीं हो रही थी खड़े होने की, और हम लोगों को उठा उठा के खड़ा करना पड़ रहा था क्योंकि हम बहुत ड्रेन हो चुके थे फिज़िकली एंड इमोशनली। वो शूट ख़त्म हुआ और हम लोग एक कोने में जाके दुबक के बैठे हुए थे और गोबर लगा हुआ था पूरी बॉडी पे, तो विशाल जी गरम गरम पानी ऊपर डाल रहे थे क्योंकि बहुत ठंड लग रही थी, बारिश का सीक्वेंस था। और आई डोंट थिंक सो हम रूम में गए वापस अपने जहाँ हम मेकअप करते थे वहाँ पे, वहाँ हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और हम दोनों रोने लग गए थे क्योंकि हम इतने ओवरवेल्म थे जो हम सीन करके आए थे उससे, और बस समझ ही नहीं आ रहा था कि हम किसी में ने मैंने अपनी फैमिली को टेक्स्ट किया कि मैं अभी किसी से बात नहीं करूँगी कुछ दिनों तक, तो मैं अपना फ़ोन ऑफ कर रही हूँ। मैंने अपना फ़ोन ऑफ किया क्योंकि मैं एकदम ड्रेन थी इमोशनली और फिज़िकली जिस तरीके का हम सीन शूट कर आए। नेक्स्ट टाइम लाइव से जानने की रिपोर्ट।